हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टेंपल ऑफ नॉलेज। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जो हरियाणा सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ, उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है जो ऑफिशियल की आई है उसके आधार पर। तो चलिए, जो जनरल की कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में रहेगी, ठीक है। दो नंबर ऊपर या नीचे हो सकती है, ठीक है। जो EWS की कट ऑफ है वो रहेगी 52 से लेकर 56 के बीच में, 52 से 56 के बीच में। BCA की जो कट ऑफ है वो रहेगी 50 और 54 के बीच में, BCB की 50 और 59, क्योंकि सीटें बहुत कम है यहाँ पे। SC की 40 से लेकर 52, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहने वाली है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें कुछ अगर चेंज हुआ होगा तो हल्का फुल्का ही चेंज मिले देखने को मिलेगा आपको, वरना यही कट ऑफ मिलेगी। और प्रत्येक कैटेगरी अनुसार कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। जो जनरल है उसमें 82 सीट है, तो 984 के अप्रोक्स कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे। EWS के 228, BCB के 96, BCA के 216, SC के 336, ठीक है। और BCB और जनरल जो कैंडिडेट है उसमें थोड़ा कंपटीशन टफ है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये है HCS की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।